सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सी गेमिंग गाइस। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग वर्सेस करने वाले किसका, यानी कि M187 का वर्सेस, यानी कि जो न्यू गन आई है उसका वर्सेस करने वाले। भाई लोग वीडियो बहुत लेट है, हालांकि इवेंट भी चला गया, अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर 2 लेजेंडरी प्लेयर्स यार वर्सेस करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाली है गाइस। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लोकेश गेमर की वीडियो नहीं देखा जाकर देख के आओ। सो भाई लोग यहाँ पर पहले राउंड में चलने वाली है डेजर्ट ईगल पटापट पटापट वाली, बहुत ओपी तरीके से। और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड बाद में कर दूंगा ताकि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। और हालांकि ये 1.5x मतलब फास्ट फॉरवर्ड है अभी ऑलरेडी, तो यहाँ पर देख सकते हो स्पीड वगैरह भाई लोग ग्लू वॉल की। हालांकि बंदे के अंदर स्पीड है ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर भाई लोग होने वाला है वर्सेस, और भाई लोग यहाँ पर एक शॉट पड़ चुका है एप्सिलॉन का, यानी कि एप्सिलॉन ने 2 शॉट मार दिए बहुत ओपी तरीके से। और भाई ये देखो सजल ने इसको पेल दिया एकदम ओपी तरीके से मक्खन लगा के। तो यहाँ पर भाई लोग दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है अभी। और गाइस आपको एक बात बता दूं, अभी हमारी जो वीडियो है वो बहुत लेट हो रही है बिकॉज अभी मैं थोड़ा सा गांव में हूँ, और अभी जो है वीडियो आने वाली है भाई, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई लोग यार क्या करते हो यार, मतलब देखता हूँ यार 6-7 दिन सब्सक्राइबर बढ़ते ही नहीं है, एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं यार, किसको सपोर्ट करोगे आप मेरे को बताओ। भाई लोग रियल कंटेंट को भी सपोर्ट कर दिया करो, किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करता हूँ यार, खुद का कंटेंट बनाता हूँ, तो प्लीज़ यार थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर दिया करो यार, क्योंकि आपको एक सब्सक्राइबर से यार मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पर भाई लोग सजल का एक शॉट पड़ चुका है इनको एप्सिलॉन को, और भाई लोग इनकी हेल्थ जो है करीब 130 के बीच में है, और यहाँ पर ये रश करने का सोचेंगे बट यहाँ पर पेल दिया है भाई लोग उससे कट्टे से, बहुत ही ओपी तरीके से। और यार कुछ भी कहो ये कट्टे की जो पावर्स है ना, एट्रीब्यूट्स है ना भाई, एकदम गॉड लेवल है यार, मतलब आप छोटा सा भी ड्रैग करोगे ना एकदम हेड चिपक जाएगा तुरंत, बहुत ही ओपी सा कट्टा है भाई ये। अगर स्किन आपके पास पैसा है, यानी कि आपके पास है, बहुत लोग का मैंने देखा, मेरे दोस्त लोग का भाई लोग 200-300 डायमंड में निकल गया, आपके पास अगर है तो आप निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से, बट अभी का अभी तो इवेंट चला गया यार। और भाई लोग यहाँ पर सेंसिटिविटी दिखाते हुए, अपना मूवमेंट दिखाते हुए सजल एकदम ओपी तरीके से, और भाई साहब क्या ही बोले भाई, बहुत ओपी तरीके से मैच जाने वाला है ये। इन्जॉय करो आप फास्ट फॉरवर्ड का बिकॉज टाइम आपका बहुत ज़्यादा लगने वाला है, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, अभी तो नहीं लगेगा फिलहाल, आप वीडियो एंड तक जरूर देख के जाना बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेजेंडरी वर्सेस होने वाला है। तो भाई लोग यहाँ पर आमने सामने बंदे आ चुके हैं दोनों के पास कट्टा है, और भाई लोग स्पेक्टेटर में भाई सीट फुल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बंदे स्पेक्टेट कर रहे हैं, पता है 5 से 6 लोग स्पेक्टेट कर रहे हैं। और भाई लोग ये देखो सबकी चड्डी फट चुकी है भाई, दोनों एकदम सहमे, और ये एप्सिलॉन की तो गांड फट रही है बिकॉज इसके भी 0 राउंड है, बुरा मत मानना, वैसे बोल देता हूँ इधर उधर निकल जाता हूँ, वही 50 के स्पीड बंदा बचा है लॉल। और भाई लोग ये इमोट दिखाते हुए इनकी मनोभावना के साथ छेड़छाड़ करते हुए, ये गलत बात है यार, ऐसे नहीं करते ना आप, इमोट दिखा के किसी को एकदम गंदी गंदी बातें नहीं कर सकते ना, मतलब एक्सप्रेशन आपका गलत जाता है, गलत वे में। और यहाँ पर भाई लोग वो बंदा आगे निकलता हुआ एप्सिलॉन, उसकी हेल्थ काफ़ी कम थी, अभी तो मान लो ठीक है बिकॉज अभी सबकी 200 है। और यहाँ पर भाई लोग एक शॉट दे दिया है ऊपर तरीके से, उनको फंसा दिया और फंसाने का पूरा फायदा उठा के भाई पेल दिया है, गजब गजब लौंडे। और यहाँ पर अगले राउंड के लिए आ चुके हैं भाई दोनों बंदे, एकदम पास पास, एकदम शॉर्ट रेंज में, एकदम क्लोज में। यहाँ पर एक शॉट जिसका लग गया माल, अरे भाई साहब, अरे भाई हट दिया लौंडे ने, और भाई साहब एप्सिलॉन भाई क्या ही खेला, लेकिन ये लौंडा भाई मेरे को समझ नहीं आया ये बीच में एक लेके क्यों आ गया, क्योंकि ये वर्सेस तो यहाँ पर कट्टे का था और यहाँ पर एक का कोई नामो निशान नहीं था, बट ये एक लेके आ गया, फिर भी कोई बात नहीं देखते हैं। लेकिन ये फाइट लौंडा एक से ही, मतलब एक से नहीं लिया था फिलहाल, मेरे को इतना पता है नहीं लेगा, और अगर बंदा एक यानी कि 20-30 HP में बच जाता है तो लौंडा एक जरूर चलाएगा बिकॉज एक चलाएगा मारने के लिए, राउंड अपने हाथ में लेने के लिए, समझ रहे हो ना। 2-2 से मैच बराबर है, अभी देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। और यहाँ पर भाई लोग दोनों प्लेयर सामने आ चुके हैं और एकदम गंदा वाला रश कर रहे हैं, और इन्होंने एक एक का चलाया, एक एक का पावर दिखा के ओपी तरीके से चलाया। और यहाँ पर भाई लोग शॉर्ट रेंज में जाने का ट्राई करेंगे सजल, बट एट द एंड वो वेट करेंगे। अरे भाई, अरे बाप रे, इमोट दिखा के भाई छेड़छाड़ किया मनोभावना के साथ, और यहाँ पर भाई लोग नहीं पड़ा शॉर्ट नहीं पड़ा। अरे भाई साहब कितनी HP, 20 HP में बंदा बचा है, देख रहे हो, समझ रहे हो। और यहाँ पर शायद मर चुके हैं, मतलब मर सकते हैं बिकॉज ये राउंड इनका नहीं आ सकता है बिकॉज बहुत कम HP है इनकी, बहुत ज़्यादा कम HP है भाई। और यार वॉइस पे थोड़ा सा ना कर लेना एडजस्ट यार, वॉइस अच्छी नहीं। और ये भाई साहब क्या ही पेला भाई, क्या ही पेला लौंडे को। और गाइस अगला राउंड क्लॉक टावर पे,
और यहाँ पर बंदे ने, अरे भाई शॉट गया थोड़ा सा, छोटा मोटा शॉट दिया, भाई छोटा मोटा शॉट बहुत ज़्यादा लग गया उसको। यहाँ पर पिंग इश्यू में जा रहा है शायद अभी, सही है। और यहाँ पर भाई लोग क्लॉक टावर पे अगला राउंड, और अगले राउंड को कौन लीड करेगा, यानी कि कौन लीड करेगा एक राउंड से। अरे भाई साहब कितनी एचपी बची है इसकी, अरे भाई मार दिया हेडशॉट, क्या ही गुच्छा मारा लौंडे ने, मेरे को ऐसा लगा गुच्छा लगा है। और भाई साहब अगला राउंड अपना शिपयार्ड पे आता हुआ, और लौंडे क्लोज रेंज में आ चुके हैं, एकदम क्लोज रेंज में आ चुके हैं। थोड़ा सा ट्रिम कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पर भाई लोग शॉट दे दिया है, शॉट दे दिया है, काफ़ी खूब वाला शॉट दे दिया है, बट इनके मूवमेंट के आगे भाई लोग कुछ नहीं मिलेगा, इनको मार सकता है इसी बात नहीं है। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है, इतना भी नहीं है भाई लोग, क्या ही मारा लौंडे ने। यानी कि मुझे लग रहा है ये बंदा साधु से हरा सकता है, ऐसा कुछ करेगा, लेकिन अगर एप्सिलॉन होल्ड करके खेलते हैं तो यार वो जीत सकते हैं, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास कुछ रहा। और ये भाई AW भाई खोपड़ी फोड़ोगे साले, तुमको मना किया गया था कट्टा लेके आना, AW लेके आ गया भाई। और यहाँ पर TS सजल ने झंडा लगा के इनको यहाँ बुलाया, और ये क्या छोटा मोटा शॉट पड़ गया, छोटा मोटा शॉट दोनों को पड़ गया, बस इसको कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। और यहाँ पर इतनी कम जोन में, यानी कि इतने छोटे जोन में यहाँ पर फाइट होने जा रही है, एकदम क्लोज रेंज में जहाँ पर निकलना मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पर शॉट खाते हुए सजल, उसको शॉट लग चुका है एकदम ओपी तरीके से, और खुले में भाई इमोट दिखा के एकदम पेलना चाहते हैं अक्खन लगा के, और यहाँ पर अपने को पैक करके रखे हुए हैं, और भाई बच गए वरना इनको शॉट लगता बहुत ओपी तरीके से। और ये क्या भाई लोग गुच्छा पड़ा एकदम ओपी वाला, क्या करते हो पांडे जी, ऐसा कैसा चलेगा भाई। और यहाँ पर लास्ट राउंड है, अगर ये राउंड सजल जीत जाते हैं तो यहाँ पर मैच खत्म हो सकता है, बट अगर ये राउंड अपना इप्सिलॉन जीत जाता है तो यार ये मैच जो है आगे के लिए जा सकता है, समझ रहे ना, समझ रहे हो ना। और गाइस काफी दिनों के बाद हम लोग वर्सेस की सीरीज लाए हैं, इसके पहले हम लोग वर्सेस की सीरीज नहीं ला रहे थे, हम अपना रोस्ट में धंधे में अपना बेस्ट थे और बाकी सब कंटेंट ढूंढ रहे थे, बट इधर हम लोग सीरीज ला चुके हैं बिकॉज कंटेंट की कमी, समझ रहे हो ना। बता दूं यार मैं खुले में बोलता हूं भाई, एकदम छुपा के नहीं रखता कुछ भी। और यहां पर डैमेज बहुत सारा है, बहुत सारा डैमेज। अरे भाई साहब क्या कर रहे लौंडा, ये लो साम, अरे भाई मार दिया। और यहां पर भाई मैच खत्म होता हुआ। तो बेसिकली यार आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।